वेलकम टू दिस चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं नेम दास हुंडा के लिखे बुक कॉम्पिटेटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर में। हम यूनिट 10 को डिस्कस कर रहे हैं और हमने यूनिट 9 तक डिस्कस कर लिया है। और आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सीड टेक्नोलॉजी को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और यदि वीडियो समझ आए पसंद आए तो लाइक करिए। सीड बोटनिकली सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, कह रहा है कि बोटनी के आधार पे हम सीड को फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये हो गई। कंसिस्ट ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, सीड क्या कहे पहले, ओव्यूल है और ये किस से बना होता है, एम्ब्रियो से, ठीक है। और एम्ब्रियो का काम क्या है, स्टोर फूड एंड सीड कोट विच इज वायबल, वायबल मतलब जिंदा, ओके, जीवित, हैज गोट द कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेट, मतलब क्या हुआ, सीड को हम सबसे पहले बोटनिकली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कहें, वो बना होता है एम्ब्रियो से, किसे बना होता है, एम्ब्रियो से, स्टोर करता है फूड को, और सीड कोट से बना होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एम्ब्रियो और सीड कोट से बना होता है, और एम्ब्रियो में क्या रहता है, स्टोर फूड, ओके, विच इज़ वायबल एंड हैज गुड कैपेसिटी ऑफ जर्मिनेट, मतलब उसके पास जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होती है सीड के पास। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल या इंडियन सीड एक्ट पास्ड इन 1966। इम्पोर्टेंट याद रखना है इसे कि कब किया गया था, नेशनल सीड एक्ट पास 1966 में, नेशनल सीड कॉरपोरेशन इन 1963, नेशनल सीड कॉरपोरेशन कब, 1963 में। क्लासेज ऑफ सीड, सीड का क्लास के बारे में देख लेते हैं। सीड्स आर ग्रुप्ड इनटू 5 मेन क्लासेस, कितने क्लास में डिवाइड किया गया है, 5 मेन क्लासेस। सबसे पहला है न्यूक्लियस सीड, ठीक है, क्लास ऑफ सीड को कितने में डिवाइड किया गया है, 5 मेन क्लास में डिवाइड किया गया है। उसमें है न्यूक्लियस सीड, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड और है रजिस्टर्ड सीड। ओके, तो सबसे पहले आइए हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस सीड के बारे में। सच सीड्स आर इनिशियल सीड्स ऑफ एन इम्प्रूव वेराइटी एंड आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। देखिए न्यूक्लियस सीड क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए कि प्लांट ब्रीडर्स है, प्लांट साइंटिस्ट है, कोई चाह रहा है कि कुछ अच्छे वेराइटी का सीड हम डेवलप करें, ठीक है, तो वो डेवलप करेगा तो इनिशियली तो लिमिटेड अमाउंट में ही करेगा, इसलिए ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। उसके बाद है इनिशियल सीड ऑफ एन इम्प्रूव वेराइटी, वो भी साइंटिस्ट जो होगा वो चाहेगा कि हम वेराइटी जो है अवेलेबल उससे बेहतर वेराइटी हम डेवलप करें, ठीक है। तो न्यूक्लियस सीड क्या हो गया कि ये इनिशियल सीड है, शुरुआती सीड है जो कि प्लांट ब्रीडर या साइंटिस्ट बना रहा है, ठीक है, तो ये हो गया कि इम्प्रूव वेराइटी होगा और लिमिटेड क्वांटिटी में होगा। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय ओरिजिनेटिंग प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कह रहा है कि न्यूक्लियस सीड प्रोड्यूस जो होता है डायरेक्टली कहाँ से प्रोड्यूस होता है प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए हम ये कह रहे हैं कि कोई भी प्लांट ब्रीडर या साइंटिस्ट प्लांट सीड को डेवलप कर रहा है, ठीक है, तो वो कहाँ डेवलप करेगा, ऑब्वियस सी बात है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप करेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इट हैज़ हाइएस्ट जेनेटिक प्योरिटी, इसका जेनेटिक क्या होता है, प्योरिटी कितना होता है, 100%। क्यों, क्योंकि जो ब्रीडर्स या साइंटिस्ट जो होते हैं वो पूरी मतलब उसका देखभाल करते हैं कि कहीं क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, ठीक है, कहीं से किसी और का सीड या पॉलिनेशन ना हो जाए, उससे बचा कर रहते हैं, तो इसका जेनेटिक प्योरिटी जो होता है वो 100% होता है। क्यों, क्योंकि ये किसी क्या कहते हैं प्लांट ब्रीडर मतलब कि नॉलेजेबल पर्सन के थ्रू ये होता है, ठीक है, तब वो फार्मर्स के पास आता है, ओके, तो उनके पास नॉलेज होता है हर चीज़ का, इसलिए बेहतर तरीके से वहाँ वो इंस्टीट्यूट में सीड्स को, न्यू सीड को ग्रो करते हैं। ओके, तो ये हो गया न्यूक्लियस सीड के बारे में, और इसका फिजिकल प्योरिटी भी जो होता है वो 100% होता है। नेक्स्ट है कि इसमें मार्केटिंग इसका नहीं किया जाता, सो पहले हम
कुछ पॉइंट जो है वो न्यूक्लियर सीड में पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे ब्रीडर सीड के में। तो ये इसका मार्केटिंग नहीं होता, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि प्लांट ब्रीडर जो इनिशियली सीड को ग्रो ही कर रहे हैं, अभी वो देख रहे हैं कि बेहतर सीड हम बना पाए हैं कि नहीं, तो मार्केटिंग नहीं होगा। इसका भी कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि वो अभी डेवलप किया ही जा रहा है, ठीक है। इसमें भी टैग नहीं होते हैं, इसमें टैग नहीं लगे होते हैं न्यूक्लियस सीड में। नेक्स्ट बात करेंगे अब ब्रीडर सीड के बारे में। इट इज़ प्रोजेनी ऑफ न्यूक्लियस सीड। न्यूक्लियस सीड का प्रोजेनी होता है कौन? ब्रीडर सीड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर अ स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर एट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ब्रीडर सीड भी क्या है, ये प्लांट ब्रीडर के सुपरविजन में, स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोड्यूस किया जाता है, ओके। उसके बाद है ब्रीडर सीड इज यूज टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। ब्रीडर सीड जो होता है, न्यूक्लियस सीड से ब्रीडर सीड बनता है, ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड बन रहा है। नेक्स्ट है जेनेटिक एंड फिजिकल प्योरिटी इज ऑलमोस्ट सेम टू न्यूक्लियस सीड। जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी जो है वो न्यूक्लियस सीड के ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नेक्स्ट है गोल्डन येल्लो बफ कलर टैग। इसका टैग का कलर क्या होता है ब्रीडर सीड का? गोल्डन येल्लो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टैग का कलर ब्रीडर सीड का क्या होता है? गोल्डन येल्लो। नेक्स्ट है कि ये सर्टिफाइड सीड होता है, मतलब इसमें सर्टिफिकेशन का भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभी प्लांट ब्रीडर्स के देख सुपरविजन में ही, देख रेख में ही ग्रो किया जा रहा है, मीन्स डेवलप किया जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है फाउंडेशन सीड। इट इज़ प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। ये ब्रीडर सीड का प्रोजेनी होता है। नेक्स्ट है नोन एज मदर सीड एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड क्लासेस। इसको मदर सीड भी कहते हैं। किसको? फाउंडेशन सीड को। इट इज़ सोर्स ऑफ रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड सीड क्लासेस। देखिए सबसे पहले हम पढ़े न्यूसेलस सीड। न्यूसेलस सीड से क्या बनता है? फाउंडेशन सीड, सॉरी ब्रीडर सीड। फिर ब्रीडर सीड से क्या बनता है? फाउंडेशन सीड। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रीडर फाउंडेशन सीड से ही फिर बनता है रजिस्टर्ड सीड और सर्टिफाइड सीड क्लास, ओके। नेक्स्ट है इट इज़ जेनेटिकली 99% प्योर। ये जेनेटिकली 99% प्योर होता है। कौन? फाउंडेशन सीड। हाउएवर फिजिकल प्योरिटी इज 98% इज परमिसिबल। और फिजिकल प्योरिटी कितना होता है? 98%। नेक्स्ट है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल सीड कॉरपोरेशन NSC। ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? नेशनल सीड कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है इट इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन गवर्नमेंट फार्म्स। ये कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? गवर्नमेंट फार्म्स में एंड एक्सपेरिमेंट स्टेशन, मतलब जहाँ एक्सपेरिमेंट होता है उस स्टेशन पे ग्रो किया जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ ऑन कल्टीवार फील्ड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट फ्रॉम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी SSCA। देखिए फाउंडेशन सीड जो ग्रो करते हैं वो तो मतलब प्लांट ब्रीडर्स तो उसको डेवलप कर लिए। नेक्स्ट अब ये जो फाउंडेशन सीड जो बना उसको हम एक्सपेरिमेंट स्टेशन या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में भी डेवलप करके देखते हैं, ठीक है, ओके। और जो कि रिसर्च साइंटिस्ट के सुपरविज़न में ये सब काम होता है फाउंडेशन सीड का, ठीक है। जो और एक्सपर्ट फ्रॉम स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, मतलब इस एजेंसी से लोग आते हैं उसकी मतलब जहाँ भी ये डेवलप किया गया, इसको ग्रो किया जा रहा है, वहाँ बार बार वहाँ वो देखने आते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं, कोई गलत यूज़ तो नहीं हो रहा इसका, या कोई गलत तरीके से तो इसको डेवलप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एजेंसी है स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, वो बार बार उस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। व्हाइट टैग डिनोटेड फॉर फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड के लिए कौन सा टैग है, किस कलर का टैग है? वाइट कलर, वाइट कलर, ओके। तो सबसे पहले था न्यूक्लियस सीड में कोई टैग नहीं था, फिर था ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो कलर का था, उसके बाद आ गया फाउंडेशन सीड में, फाउंडेशन सीड में वाइट कलर का है, ठीक है, टैग। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड सीड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन सीड और रजिस्टर्ड सीड इटसेल्फ, मतलब ये प्रोड्यूस तो रजिस्टर्ड सीड से होता ही है और ये खुद रजिस्टर्ड सीड से भी डेवलप होता है, ओके। इट हैज़ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। इसके पास भी जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी सेटिस्फैक्ट्री होता है। इट इन इंडिया इट इज़ जनरली ओमिटेड, अवॉइडेड
एंड सर्टिफाइड सीड इज प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम फाउंडेशन सीड, मतलब इंडिया में इसको अवॉइड किया जाता है, ठीक है, इसको ग्रो नहीं किया जाता है, प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, और ये सर्टिफाइड सीड जो है वो फाउंडेशन सीड से डायरेक्टली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इंडिया में रजिस्टर्ड सीड प्रोड्यूस नहीं किया जाता है, अवॉइड करते हैं उसको लोग। और रजिस्टर्ड सीड का टैग का कलर क्या है, पर्पल और ऑरेंज, ओके। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, न्यूक्लियर सीड में कोई कलर नहीं, ब्रीडर सीड में गोल्डन येलो, फाउंडेशन सीड में वाइट और रजिस्टर्ड सीड में पर्पल और ऑरेंज। नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड, इट इज़ प्रोजेनी ऑफ आइदर रजिस्टर्ड सीड और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ, रजिस्टर्ड सीड या फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड का प्रोजेनी है कौन, सर्टिफाइड सीड। इट हैज़ सेटिस्फैक्ट्री जेनेटिकली आइडेंटिटी एंड प्योरिटी, इसका आइडेंटिटी और प्योरिटी जेनेटिकली जो होता है सेटिस्फैक्ट्री होता है। इट इज अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी, ये सर्टिफाइड होता है और अप्रूव होता है किससे, स्टेट सीड एजेंसी से, ओके। ये अप्रूव्ड हो गया, सर्टिफाइड भी हो गया किससे, एजेंसी से। नेक्स्ट है इसका टैग का कलर क्या होता है, ब्लू, एजोरा ब्लू कहते हैं इसको, इम्पोर्टेंट है ये। टैग का कलर क्या हो गया, ब्लू सर्टिफाइड सीड का। और इट इज़ अवेलेबल फॉर जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टू फार्मर फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। सर्टिफाइड सीड जो होता है वो अब जब फाउंडेशन सीड बना, ब्रीडर सीड बना, उसके पहले बना था न्यूक्लियर सीड, उस ये सब होते होते जब सर्टिफाइड सीड उसको कहते हैं, जब वो फार्मर्स के पास अवेलेबल हो जाता है उसको क्या कहते हैं, सर्टिफाइड सीड फॉर कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जब जो सीड अवेलेबल होता है उसको क्या कहते हैं, सर्टिफाइड सीड। और इसका कलर क्या होता है, ब्लू, ओके। तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वायबिलिटी ऑफ सीड में, वायबिलिटी ऑफ सीड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो आप चैनल पर जरूर बने रहिए, ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।